ओके सो देयर वी हैव एन अनदर ब्रोकन बोन। ब्रोकन बोन मतलब इंसानी हड्डी तो नहीं लेकिन चेसिस है हमारी बाइक की जो टूट चुकी है। सो ये जो कस्टमर थे स्पेसिफिकली एक एल्युमिनियम टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे थे इस फ्रेम पर, यह है स्क्रैम। और स्क्रैम टॉप रैक या टॉप बॉक्स के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है, इसलिए उसमें एक नॉर्मल से ग्रैब हैंडल आता है, ग्रैब बार आता है। सो अब हुआ क्या है, बाइक के ओनर ने यहाँ पर एक फ्रेम फैब्रिकेट करके उसके ऊपर एल्युमिनियम बॉक्स यूज़ कर रहे थे और उसके वजह से ये हुआ है। यू कैन सी बोथ द साइड्स चेसिस इज बिन ब्रोकन और काफ़ी काफ़ी डीप ब्रोक है, पूरा अलग हो चुका है, छूट के अलग हो गया है ये, यहाँ पे खाली इतना सा बचा है। सो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर न्यू एच डी डी कस्टम्स। आप देख रहे हो बिट्टू वहाँ काम कर रहा, हम खुले आसमान के नीचे। तो ये हमारी नई वर्क प्लेस है, इसके बारे में प्रॉपर ब्लॉग अब तक नहीं बनाया है, बहुत जल्द बनेगा बिकॉज कुछ काम बाकी है यहाँ होने के। सो आफ्टर दैट विल मेक अ प्रॉपर ब्लॉग ऑन द न्यू वर्क प्लेस एट द न्यू वर्कशॉप। सो सोचा कि ये एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए, तो इसका एक ब्लॉग बना दिया जाए। ये जो बाइक आई है मेरे पास, ये हमारे एक कस्टमर की बाइक है जो जो एल्युमिनियम बॉक्स, एल्युमिनियम टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। अब हर एक चीज़ के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, देयर आर प्रोस एंड कॉन्स इन एवरीथिंग। सो प्रॉस ये है कि एल्युमिनियम टॉप बॉक्स दिखता अच्छा है, खूबसूरत होता है, जगह भी काफ़ी होती है। और उसमें कॉन्स ये है कि ड्यू टू वेट, बिकॉज ऑफ हैवी वेट, वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये रीज़न है, ये चेसिस जो ब्रेक हुई है आप देख सकते हो। सो वेट और डायमेंशन, जब खड्डे में कूदता है और पटकता है और वो रैटल करता है तब जाके वो मेटल पे इम्पैक्ट देता है, फिर मेटल कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इट शुड बी एम्फोज्ड, इट शुड बी स्ट्रेंथन अप। तो जो एल्युमिनियम बॉक्स हम लगाते हैं, वो लगाने के बाद जब वो खड्डे में उठा पटक होता है, बहुत सारे लोग एल्युमिनियम बॉक्स लगा के ऑफ रोड भी जाते हैं, स्पीड ब्रेकर भी कूदाते, बहुत कुछ करते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड बेसिकली, बिकॉज वो बॉक्स का वेट और डायमेंशन इतना होता है, उसके अंदर हमारा एडिशनल वेट भी होता है, जिसके लिए हमारे बाइक्स की चेसिस डिज़ाइन नहीं है। सो इफ़ इट्स नॉट डिज़ाइन, वी हैव टू एम्फोर्स इट, वी हैव टू डिज़ाइन समथिंग एज पर द वेट। तो वो हम करते हैं, ये काम हमारा है, इसी रीज़न से बाइक मेरे पास आई है। सो अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को दिखा दो इसमें क्या करने वाले हम। इसको एक एम्फोस करके वेल्ड किया जाएगा। अब वेल्डिंग में भी एम्फोसमेंट होती है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये बुश है जहाँ पे बोल्ट अंदर आ रहा है। सो बहुत ज़्यादा कुछ अंदर डाल नहीं सकते, लेकिन हम लोग इसको बॉटम से स्लाइस लगा के इसको वेल्ड करेंगे। मेरे पास CO2 वेल्डिंग है, सो आई डू दैट। वेल्डिंग के बाद इस टॉप बॉक्स के एम्फोसमेंट के लिए हम इसको एक सैडल फ्रेम बनाएंगे, सैडल फ्रेम बनकर वो उसको एम्फोस करेगा। तो ये कुछ टेक वर्क्स है जो अभी हम करेंगे इस पर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले इसको ग्राइंड करके क्लियर करके इस पर वेल्डिंग कर दिया जाए, इसको स्ट्रेंथन करते, इसको स्ट्रॉन्ग करते चेसिस को, देन उसको एन्फोर्समेंट देंगे हम बॉटम से। ओके सो वेल्डिंग एंड ग्राइंडिंग इज़ बिन डन, आप देख सकते हो फिलअप किया है, तो सेंटर में थोड़ा वेल्डिंग का मार्क रहेगा, फुल नहीं घसेंगे, पूरा घस देंगे तो उसका स्ट्रेंथ वापस कम हो जाएगा। सो इट्स बिन क्लीनड अप। और अब इसमें एम्फोर्समेंट का पार्ट ये है कि अगर आप देखो तो ये जो बॉटम प्लेट है चेसिस की, इसके साथ में वेल्डेड नहीं था ये पार्ट। सो अब मैंने क्या किया है, अबाउट 1 इंच का वेल्ड इसी जहाँ पर क्रैक था या टूटा था उसके नीचे इस मेटल पार्ट के साथ में वेल्ड कर दिया है। सो बोथ द साइड्स हैव बीन डन सेम वे, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ गई है उसकी। ओके तो अब वो
मजबूत हो चुका है रेयर एंड। अब हम इसको वापस से सारे मडगार्ड इस तरह स्प्रे पेंट कर लेंगे, तो ठंडा होने के बाद स्प्रे पेंट करके एक सेम कलर एग्जैक्ट तो मैच नहीं होगा, थोड़ा 19-20 रहेगा, बिकॉज ये पाउडर कोटेड है। हम स्प्रे करेंगे इसको, अगर पूरा पाउडर कोटिंग करना है तो पूरे चेसिस डिसमेंटल करनी पड़ेगी, विच विल बी एन एक्सपेंसिव जॉब फॉर द ओनर। सो ये क्विक जॉब है, अच्छा होता है अगर हम लोग अच्छा क्वालिटी का स्प्रे मारेंगे तो, जैसे बॉस्नी का स्प्रे हम जो यूज़ कर रहे हैं हम इसको मारेंगे अभी। सो ये जो खर्चा है बेसिकली, अगर आप सर्विस सेंटर में जाओ सो दे विल नॉट डू दिस, दे विल लेट यू चेंज चेसिस। तो चेसिस चेंज करने का खर्चा विच विल बी अबाउट 15 to 20K, 15,000 की चेसिस आती है, फिर 5,000 रुपया लेबर लगता है खोल फिटिंग का। उसके बाद आपको फिर चेसिस नंबर के लिए RTO के चक्कर काटने पड़ते हैं, एजेंट पकड़ो, बहुत मगजमार रहती है। सो ये जो काम हमने किया है यहाँ पर, ये काफ़ी गाड़ियों पर कर चुके हैं, अभी इस पर भी किया है, और ऐसा कुछ आपको जॉब हो तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं ये काम करके दूंगा आपको, विच विल बी अ वेरी रिजनेबल जॉब। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको कंपेयर टू कंपनी का काम से। सो इट टेक्स अबाउट 1500 to 1000 rupees टू ओपन एंड डू ऑल दिस वेल्डिंग एंड फिक्स इट बैक। तो ये जो वेल्डिंग हम करते हैं, ये आर्क वेल्डिंग नहीं है, CO2 वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग है। तो मिग वेल्डिंग का क्या होता है, स्ट्रेंथ अलग होता है आर्क वेल्डिंग के मुकाबले, आर्गन और मिग वेल्डिंग का। सो दैट्स वॉट वी डू हियर, एंड नाउ लेट्स फिक्स दिस थिंग। और इसके बाद हमको इसको स्ट्रेंथन के लिए सैडल फ्रेम के साथ में क्या एनफोर्समेंट देना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले हम ये फिक्स कर लेते हैं। ओके सो देयर वी गो, कलर इज बीन डन एंड इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कलर ऑप्शन कलर में फ़र्क है स्टॉक और इसमें जो पेंट किया नया नया। सो आफ्टर सम टाइम इट विल मर्ज टुगेदर। तो चेसिस का वेल्डिंग और ग्राइंड करके उसको पेंट हमने कर दिया है। अब बात आती है इसको एनफोर्समेंट की, स्ट्रेंथन की। तो स्ट्रेंथन के लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक जो उनका बनाया हुआ टॉप रैक है, ग्रेवल है, वो ग्रेवल लगा के साथ में सैडल स्टे करके उसको एनफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे। ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आपको दिखा दूं मैं। सो ये एक बाइक आई थी स्पेसिफिकली कुकीज के बॉक्स के सेटअप के लिए। सो फ्रेम्स के साथ साथ टॉप रैक को एक एनफोर्समेंट बार, वो भी डिज़ाइन करने का तरीका है। ऐसा नहीं कि कैसे भी आप एनफोर्समेंट बार लगा लो वो स्ट्रेंथन ले लेगा, उसका एक एंगल होता है, उसका एक डैम्पिंग एंगल होता है, एक एनफोर्समेंट का एंगल होता है, वो सेट करना होता है सही से। सो वो कोई भी बाइक हो, फिर ये हो, वो बाइक हो या ये बाइक हो, सो इन सारे बाइक्स में ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, जो एक टेक्निकलिटी से होती है। ऐसे ही नहीं कि हम कोई भी पाइप ले कहीं भी वेल्ड कर देंगे और वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। सो ये कुकेज का सेटअप लगाया है हमने इस बाइक पर, और अब इसे साइड केसेस भी लगाने वाले आज ही, तो उसी तरीके से इसी को भी डिज़ाइन करेंगे। और सिर्फ ये बाइक एडवेंचर या हिमालयन नहीं है, मैं आप लोगों को एक और बाइक दिखाता हूँ। एक बॉबर का वायरिंग का काम चालू है यहाँ पर। ओके सो ये एक ड्यूक हमने रेडी किया है अभी, जो जाएगी थोड़े में, और इसके भी ये जो टॉप रैक सैडल स्टे है। सो बेसिकली बाइक के ओनर का एल्युमिनियम टॉप बॉक्स है, एल्युमिनियम टॉप बॉक्स, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि बॉक्स के साथ में हम साइड सैडल स्टेज भी बनाएंगे, जो एक अच्छा लुक भी देगा आपको, लगेज के कंपैटिबल भी हो जाएगा, प्लस हम उस पर आप जो वेट डालोगे 45 लीटर एल्युमिनियम टॉप बॉक्स का, तो उसका वेट लेने के हिसाब से स्ट्रेंथन हो जाएगा। सो ये सारी जो डिज़ाइनिंग वर्क है ये मैं यहाँ पर करता हूँ, आपको ये एक्सक्लूसिव बना के मिलेगा, ये रेडी सेटअप नहीं होता है। ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जाती है, बनाई जाती है, टाइम जाता है ये सब काम में। सो दिस इज़ हाउ इट बीन डन। वो मेरी एडवेंचर वहाँ कवर होकर पड़ी है, और ये हमारा नया वर्कशॉप लोकेशन है, जिसके बारे में आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बहुत जल्द देखने मिलेगा। सो नाउ वी आर ऑन दिस स्क्रैम, लेट्स फिनिश दिस थिंग। ऐसा हिल रहा अभी, दिस थिंग ये निकल गया। ओके सो इसी के साथ साथ एक और गाड़ी आई है, जिसमें हमने टॉप रैक लगाया, टॉप बॉक्स लगाया, और वो भी टूट के आई है, ये हमारे सामने है। प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ कि क्या हुआ इस टॉप रैक के साथ में, ये क्यों टूटा, इसके बोल्ट्स क्यों टूटे। जैसे आपने कहा चेसिस ब्रेक हुई, वैसे बोल्ट्स भी टूटते हैं बिकॉज ऑफ वेट एंड इम्पैक्ट। सो लेट मी शो यू। सो दिस इज़ एन KTM एडवेंचर, आप लोगों को मैंने ड्यूक दिखा दी, अब ये एडवेंचर है। एडवेंचर का जो टॉप बॉक्स आप देख रहे हो, ये एल्युमिनियम टॉप बॉक्स है, और इसमें बाइक के ओनर ने अच्छा खासा वेट भर के रखा है। अब होता क्या है, हम बॉक्स ले लेते तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और हम इस तरीके से फुल्ली लोडेड कर डालते उसको। तो अब ये लोड होने की वजह से हमने जो एनफोर्समेंट वाला टॉप रैक बनाया है,
ये तक इसके वेट को नहीं झेल पाया। आप देखो अगर, तो ये काफ़ी बेंड हो चुका है वेट की वजह से, इट्स क्वाइट हैवी। सो प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसके बोल्ट अंदर टूट गए, 6 mm के बोल्ट जो एम्फोर्स करते हैं इस टॉप रैक को, वो उसका वेट और इम्पैक्ट नहीं झेल पाए, जो रीज़न से दोनों बोल्ट अंदर ही टूट के रह गए। चेसिस नहीं टूटी लेकिन बोल्ट टूट गए, क्योंकि बोल्ट भी इम्पैक्ट लेने का उनका भी एक लिमिट होता है, वो लिमिट से ज़्यादा बाहर जाएंगे तो वो टूट जाते हैं। सो बेसिकली हुआ ये है कि फ्रेम यहाँ पर जगह पे टैक्ड है, इंटैक्ट है, बेड प्लेट भी हल्की बेंड हो गई है वेट की वजह से, और ये बोल्ट टूट गए। और इसी के साथ साथ हमारे दोस्त विवेक भाई की गाड़ी भी यहाँ पर है जो भी आए, सो इनकी गाड़ी में भी ये इशू था प्रीवियसली। हमने फिर ग्रैब रेल चेंज किया, ओल्डर वेरिएंट हिमालयन में लेटेस्ट वर्जन का ग्रैब रेल डाला, उसको साइड फ्रेम के साथ में इतना एम्फोर्समेंट दिया। देखो अब अगर इतना एम्फोर्समेंट नहीं दिया जाए तो सिर्फ बॉक्स चेसिस या फ्रेम नहीं, जो टॉप बॉक्स का बेस प्लेट होता है वो भी टूट जाता है, क्योंकि इस बॉक्स का प्लेट टूटा था, हमने प्लेट नहीं बना के डाली अपने साइड से, क्योंकि स्टॉक प्लेट जो स्टॉक बेस प्लेट आती है जो ये है, इवन ये प्लेट भी टूट जाती है, कई टाइम क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर। जो लोग एल्युमिनियम बॉक्स काफ़ी सालों से यूज़ कर रहे होंगे उनको इस चीज़ का अच्छा नॉलेज होगा। सो ये समझने वाली चीज़ है कि एल्युमिनियम बॉक्स वापरना बड़ी बात नहीं है, उसके लिए जो फ्रेम जॉब होगा, जो फ्रेमिंग जॉब, जो फ्रेम हम बनाते हैं, जो एम्फोर्समेंट देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें हमको स्ट्रेंथ होना चाहिए, पाइप का गेज अच्छा होना चाहिए, गेज के साथ में एम्फोर्समेंट का जो एंगल है वो सही से सेट होना चाहिए। सो अगर हम देखें एक्सपल्स है, एक्सपल्स का स्टॉक ग्रैब्रेल जो है वो भी एक लिमिट का वेट लेने के हिसाब से है, जो हमारी टॉपरे की प्लेट है, ये प्लेट एक मैक्सिमम प्लेट तो 100 किलो भी वेट लेगी, प्लेट का इशू नहीं क्योंकि वो मेटल की प्लेट है, लेकिन जहाँ पे वो माउंटेड है ये ग्रैब्रेल जो है, ये कास्ट एल्युमिनियम का ग्रैब्रेल है, जो बोल्ट है वो 6 mm के बोल्ट से, तो उनका एक लोड कैपेसिटी या वेट कैपेसिटी होता है, और जब हम बाइक चलाते हैं जब वो रैटल करती है तो ये जो वेट कैपेसिटी कम हो जाती है कंपेयर टू स्टॉक वेट कैपेसिटी, जो गाड़ी डेड खड़ी है उसके ऊपर जो वेट डालो, इस पर अब भी 100 किलो डालो कुछ नहीं होगा इसको, आप खड़े होकर बैठ जाओ या खड़े हो जाओ जंप करो, इसको कुछ नहीं होगा। जब ये बाइक चलेगी रोड पर तब जब वो रैटलिंग इम्पैक्ट या कॉन्स्टेंट हमारे खड्डों में चल के जो उठा पटक होती है लगेज के साथ में, वो इम्पैक्ट ये फ्रेम्स नहीं झेल पाते, तब जाके ये टूटते हैं। सो वो रीज़न है हमको हर गाड़ी को एक अलग तरीके से डिज़ाइन करना होता है, अलग तरीके से बनाना होता है कि वो इस तरीके का प्रॉब्लम झेल सके, बॉक्स का वेट, लगेज का वेट और रैटलिंग इम्पैक्ट का वेट। जब गाड़ी चलती है तब ये इस तरह हिलता रहता है, हिलने की वजह से वो बोल्ट तोड़ेगा या चेसिस तोड़ेगा, कुछ ना कुछ टूटेगा। सो ये हमको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके गाइस, सो हियर वी आर टू एंड ऑफ दैट व्लॉग। आप मेरे पीछे छत देख सकते हो, जब हम लोग व्लॉग बना रहे थे उस वक्त ये छत नहीं थी। सो वो बाइक का काम होकर वो जा चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया है और उसका व्लॉग एंड हम नहीं कर पाए। सो सिमिलर जॉब एक और आया था मेरे पास, चेसिस नहीं टूटी थी लेकिन एम्फोर्समेंट वाला काम था और बॉक्सेस लगाए थे। सो मैंने सोचा इस बाइक पर हम वो ब्लॉग एंड करते हैं, बिकॉज वो बाइक का काम आपने देख चुके थे। अब इस बाइक पर मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें टेक्निकलिटी बता दूँ एम्फोर्समेंट को लेकर और टॉप बॉक्सेस को लेकर। और उसी तरह से पीछे हम देख सकते काम भी चल रहा है, हेजल भी घूम रही है, हमारी HDD की नई मेम्बर। सो लेट मी शो यू वॉट वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड विल एंड अप ब्लॉग ऑन दिस पार्ट नाउ। वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड देयर इज हेजल, हेजल हे। सो ये इसको हमने अडॉप्ट किया है, ये किसी को मिली थी हमारे राइडर ग्रुप में से। सो अब ये HDD की एक मेंबर है जो हमारे वर्कशॉप पे रहती है। सो हमारे पास शेड हो चुका है, अब अच्छा खासा शेड और सेटअप, और काफ़ी कुछ काम बाकी है वर्कशॉप का। ये नया वर्कशॉप है जिसके अंदर प्रॉपर ब्लॉग अब तक बनाया नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ काम शुरू हो चुका है। ये अपनी एडवेंचर वो हिमालयन जिसको एम्फोर्स किया है टॉप बॉक्स के लिए और पैनल्स के लिए, और ऐसे कुछ और जॉब्स है हमारे पास इस टाइप के, जैसे कि एक GS आई थी जिसमें अपने को जेरी कैन का माउंट बनाना था। सो स्टॉक पैनियर के साथ में जेरी कैन माउंट फिट कर दिए, ये एक बाइक कुछ काम के लिए आई है, और इनमें भी वही काम है, टॉप बॉक्स विद एम्फोर्समेंट एंड टॉप बॉक्स विद पैनियर एम्फोर्समेंट। सो मोस्टली आजकल हमारे पास ये काम ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हम देखते हैं जो भी ग्रैब्रेल्स रॉयल इनफील्ड प्रोवाइड करे या कोई भी व्हीकल प्रोवाइड करे, वो उतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते हैं कि वो एल्युमिनियम टॉप बॉक्स का वेट और डायमेंशन का जो रैटलिंग रहेगा या रैटलिंग इम्पैक्ट रहेगा वो ले सके। सो उस रीज़न से
कुछ फ्रेमिंग जॉब इस तरह की करनी पड़ती है अपने को कि सारा कुछ एक दूसरे के साथ में स्टेबल हो जाए और एक एक एम्फोस्ड फ्रेम बन जाए कि इसका लोड यहाँ पर डिवाइड हो जाए, इसका लोड बाकी फिर माउंटिंग पॉइंट पर डिवाइड हो जाए, तो कुछ टूटे नहीं और लॉन्ग जर्नी के दौरान कोई प्रॉब्लम ना आए. सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग राइड्स. ये प्रॉब्लम्स जो काफ़ी लोग फेस करते हैं, ग्रैब रेल यहाँ से टूट रहा है, यहाँ से टूट रहा है, अगर सारा एम्फोज है तो चेसिस यहाँ से जो ब्रेक हो, जैसे आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो देखा वो चेसिस यहाँ से ब्रेक हो गई थी क्योंकि उसका उसका जो ग्रैब रेल था वो अच्छे से एम्फोज था, लेकिन वो जो कॉन्स्टेंट इम्पैक्ट था टॉप बॉक्स का वो चेसिस पे जा रहा था. सो अब इस सेटअप में क्या होता है, जब आप साइड पैनियर के साथ में टॉप रैक करते हो, सो सारा जो जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट एंड लोड है, वो डिवाइड हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, सो कुछ चीज़ टूटती नहीं है. और एक चीज़ जो हमको खास ध्यान रखनी है इन लगेज सेटअप्स को लेकर, जो भी लगेज सेटअप हम यूज़ कर रहे हैं, फिर वो एल्यूमिनियम हो या प्लास्टिक हो या सॉफ्ट लगेज हो, लगेज जितना मिनिमल होगा बाइक उतनी अच्छी चलेगी, उतने प्रॉब्लम्स कम आएंगे हमको. सो जितना कम वेट या कम लगेज लेकर हम चले उतना ज़्यादा बेटर होगा. फिर वो आप एल्यूमिनियम बॉक्स लो या प्लास्टिक बॉक्स लो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अगर आप वेट ज़्यादा कैरी कर रहे हो तो हर बाइक की चेसिस या माउंटिंग फ्रेम या टॉप रैक या सैडल स्टे या पैनल फ्रेम जो भी है वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होती है, स्पेशली प्रोडक्शन लाइनअप पे. जब प्रोडक्शन लाइनअप हम देखते हैं तो वो एक मिनिमलिस्टिक वेट के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है. अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना वेट लेके जाते हो उसके ऊपर. सो हर मेटल की, हर फ्रेम की एक कैपेसिटी होती है, वेट कैपेसिटी. अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो ये जो टूटना फूटना है ये चलता रहेगा, और फिर इसी तरह की जॉब हम लेने बैठे हैं यहाँ पर. आप तोड़ के लाओ, हम जोड़ के देंगे, ठीक है. सो HDD कस्टम्स का ये काम है तोड़ना, तोड़े हुए को जोड़ना. और कभी हमसे भी टूटता है ऐसा नहीं, नहीं टूटता है. जो अपने फ्रेंड्स देखे KTM एडवेंचर के टॉप रैक नहीं टूट रहे, लेकिन जो बोल्ट से बॉटम में वो बोल्ट टूट रहे हैं. सो अब मैंने कुछ सोचा है, टॉप रैक को एनफोर्समेंट जो है उसको कुछ चेंजेस करना है. वो रीज़न से टॉप रैक में फ़िलहाल नहीं दे रहा हूँ लोगों को. उसका रीज़न ये है कि टॉप रैक के जो बॉटम बोल्ट है वो टूट रहे, बोल्ट उतने वेट नहीं ले पा रहे कि एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स लगा के आप बिंदास चलो. सो उस रीज़न से अभी ये जो KTM हमारे यहाँ भी खड़ी है इसमें भी यही काम है, उनको एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स यूज़ करना है. सो उसके लिए मैं उनको पैनियर फ्रेम बनाऊँगा, उसके साथ मैं एनफोर्समेंट बनाऊँगा, फिर टॉप रैक के ऊपर एल्यूमिनियम टॉप बॉक्स लगा के दूँगा. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी होती है. अभी हम देखें जो बड़ी बाइक, जैसे कि ये है GS250 एडवेंचर, जो इतनी बड़ी बाइक है, इतनी बड़ी बाइक के साथ में भी जो लगेज सेटअप उन्होंने दिया है BMW जैसे ब्रांड ने, जो इतना अच्छी फ्रेम डिज़ाइन की है विद एम्फोर्समेंट डिज़ाइंड है, फिर भी इसका वेट कैपेसिटी 7 kg दिया गया है. ऑफिशियली 7 kg वेट की कैपेसिटी दिया है, जिसमें ये टॉप बॉक्स अगर आप देखो, सो ये दिस इज़ नॉट अ 45 लीटर टॉप बॉक्स, दिस इज़ 35 लीटर टॉप बॉक्स विच इज़ वेरी स्मॉल, सिर्फ एक हेलमेट बैठ सकता है उसके अंदर. सो जब आप देख सकते हो इतनी बड़ी बाइक को इतना छोटा सेटअप दे रही है कंपनी, दैट मीन्स देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट. ये सारी चीज़ें R&D करके बनाई जाती है. भले ही ये स्टील का हो फिर भी लोगों ने इसको तोड़ा है, ये टूटा है, कई लोगों ने इससे बड़े बॉक्सेस लगाए, हाईवे पे राइड किए और ये ग्रैब रेल भी टूटे हैं लोगों के. सो वो रीज़न है कि आप वेट जितना मिनिमलिस्टिक रखो उतना ज़्यादा बेटर होगा इसके लिए. और फिर अभी डिपेंड करता है, फिर आप साइड में पैनल्स यूज़ कर रहे हो, सॉफ्ट लगेज यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ये बाइक स्पेसिफिक बाइक अब अपने राइड पर जाने वाली है, सो ही डोंट वॉन्ट टू यूज़ साइड पैनियर्स, तो उनका जो जर्नी है उसके लिए वो जेरी कैन यूज़ करे क्योंकि उनको फ्यूल लगेगा उमिंगला और वो सब करने के लिए. सो आई डोंट नो मच अबाउट दैट रूट, बट फ्यूल कैन का उनका रिक्वायरमेंट था जो हमने बनाया और दिया. सो हियर विल कम अगेन ऑन हिमालयन, जो प्रॉब्लम थी आपको हमने बता दिया है, प्रोस एंड कॉन्स क्या था उसमें. सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, ये होपफुली आपको समझ गए हो कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रोस एंड कॉन्स है बॉक्सेस यूज़ करने के लिए, और उसके साथ में क्या टाइप की जो फ्रेमिंग जॉब हमको करना है, हर बाइक पे अलग अलग तरीके से होता है. सो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो यू कैन DM मी और यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम विच इज़ HDD कस्टम्स, और फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कॉल करो अगर ज़्यादा टाइम जा रहा है मैसेज को. तो सो जल्द मिलेंगे कुछ नए काम के साथ में हमारी नई जगह पर जो अभी भी डेवलपमेंट में है. इसका ब्लॉग बनाएंगे इसके बाद बहुत जल्द, जब तक कि हमारा गेट और एंट्री रेडी नहीं हो जाता तब तक के लिए नहीं बनाऊंगा ब्लॉग. सो तब तक कुछ काम करेंगे, मॉनसून सर पर है. सो गाइस बी प्रिपेयर फॉर मॉनसून एंड चेक योर व्हीकल प्रॉपरली, चेंज योर टायर्स इफ इट्स नीडेड. ये सारी चीज़ें जो सेफ्टी पर्पज़ है हमारी बाइक राइडिंग कम्युनिटी के लिए,
इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. सो टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.